अगर मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल्स की बात की जाए तो आज की तारीख में इन मोटरसाइकिल्स की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, और इसी डिमांड को देखते हुए हर मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट इस सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहता है। ब्रांड्स लाइक रॉयल एनफील्ड, जावा, कावासाकी और ट्रायम्फ, हर कोई इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी बात पर आज हमारे पास है दी ऑल न्यू इम्पीरियाले 400 बेनेली की एकमात्र विंटेज स्टाइल मोटरसाइकिल, जो कि आती है मॉडर्न मशीनरी के साथ। अब ये नई बेनेली हमारे पास कुछ दिनों से है, और इसी बात का फ़ायदा लेते हुए हमने इस मोटरसाइकिल को अलग रोड और ट्रैफिक कंडीशंस में चलाई है। तो ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी है, चलिए जानते हैं हमारे फर्स्ट राइड रिव्यू में। अगर लुक से शुरुआत की जाए तो बेनेली ने इम्पीरियाले 400 को एक क्लासिक विंटेज लुक दिया है। इस डिज़ाइन की इंस्पिरेशन 1950s की इम्पीरियाले 125 से लिया हुआ है, जब बेनेली की ओनरशिप मोटर बी नाम की कंपनी के साथ थी। अब इस मोटरसाइकिल के साथ आपको मिलती है एक सर्कुलर हेडलैम्प, क्रोम बेजल के साथ क्लियर लेंस इंडिकेटर्स और एक ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें आपको मिलते हैं दो LCD डिस्प्लेस। एक डिस्प्ले जो ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर और टाइम दिखाता है, और दूसरे में गियर पोजीशन और फ्यूल लेवल इंडिकेटर है। आगे बढ़ते हुए आपको मिलती है टीयर ड्रॉप शेप की टैंक, जिस पर है बेनेली की ब्रांडिंग और बेहतर नी ग्रिप के लिए रबर पैड्स। ये मोटरसाइकिल आती है स्प्लिट सीट सेटअप, जो पूरी डिज़ाइन के साथ अच्छे से ब्लेंड होती है। और पीछे की तरफ देखा जाए तो आपको मिलता है एक वाइड मडगार्ड, जिसके साथ में आती है ये ओवल शेप ब्रेक लैंप, जो पूरी तरह से इस मोटरसाइकिल के रियर सेक्शन को एक क्लासिक स्टाइलिंग देती है। पैकेज की बात करें तो ये मोटरसाइकिल एक डबल क्रैडल चैसी पर बेस्ड है। सस्पेंशन के लिए 41mm टेलीस्कोपिक फोक्स आगे की तरफ और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स पीछे की तरफ। और क्योंकि ये मोटरसाइकिल एक क्लासिक विंटेज लुक पर आधारित है, इसमें मिलते हैं स्पोक व्हील्स 19 इंच आगे और 18 इंच पीछे। अगर फीचर्स की बात की जाए तो इम्पीरियाले 400 में आपको मिलता है एक एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, हैजार्ड लैंप्स और वाइट बैकलेट इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि इसके कॉम्पिटिशन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और जावा में अवेलेबल नहीं है। चलाने में इम्पीरियाले 400 एक वाकई बेहतरीन मोटरसाइकिल है। इसमें आता है 374cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर मोटर, जो 5 स्पीड गेयरबॉक्स से जुड़ा है। इस फ्यूल इंजेक्टेड मोटर की पावर आउटपुट की बात की जाए तो ये 19 bhp और 28 nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस इंजन का पावर डिलीवरी स्मूथ है, और पावर बैंड में 3000 rpm से शुरुआत होकर 5500 rpm तक अवेलेबल है। इस मोटर की सबसे गजब बात यह है कि इसमें वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। 70 km/h के स्पीड तक वाइब्रेशंस बिल्कुल महसूस नहीं होते हैं, और 80 km/h और उसके ऊपर स्पीड पर हैंडल बार पर थोड़े वाइब्रेशंस फील होते हैं, मगर बाइक चलाते समय इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रैफिक में या स्लो स्पीड में चलाते वक्त इस मोटरसाइकिल की टॉर्क थोड़ी कम लग सकती है। इस इंजन की टॉर्क मिड और टॉप रेंज में ज़्यादा है, जिसके कारण आपको पहले और दूसरे गियर का इस्तेमाल काफ़ी करना पड़ता है। और अगर इंजन हीटिंग की बात की जाए तो आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में एग्जॉस्ट साइड से थोड़ी हीट महसूस हो सकती है। अगर राइडिंग पोजीशन की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल पे आपको मिलती है ये वेल कुशन सीट, जिसकी सीट हाइट है 780 mm, ये न्यूट्रल सेट फुट पेग्स और एक सिंगल पीस वाइड हैंडल बार, जिससे आपको मिलती है एक वाइड चेस्टेड और आरामदायक राइडिंग स्टांस। अब आते हैं इम्पीरियाले 400 की राइड क्वालिटी पे। इस चीज़ में ये मोटरसाइकिल आपको काफ़ी आश्चर्यचकित कर देती है। हालांकि इसका कर्व वेट 205 किलो है, चलाते समय आपको ये महसूस नहीं होता है। कॉर्नर्स में चक्कों को दिए हुए टीवीएस टायर्स उत्कर्ष ग्रिप दिलाते हैं और आपको ज़्यादा कॉर्नरिंग एंगल लेने में मदद करते हैं। सीधे रास्तों पर सस्पेंशन रास्ते की अंडुलेशंस को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। खराब रास्तों पर 20-30 की स्पीड पर खड्डों में इसके सस्पेंशन बॉटम आउट नहीं होते हैं, जिससे आपके कमर को झटका नहीं लगता है। और 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण
गाड़ी स्पीड ब्रेकर्स या खड्डों पे नीचे से नहीं घसती है। स्पीड कम करने के लिए इम्प्रियाले को मिलते हैं ट्विन डिस्क सेटअप। आगे है 300 mm की सिंगल डिस्क जिसके साथ आता है 2-piston कैलिपर और पीछे की तरफ है 240 mm डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। पूरी सिस्टम डुअल चैनल ABS के साथ सज्जित है। ये ब्रेक्स स्पीड कम करने में प्रोग्रेशन और काफ़ी हद तक बाइट ऑफर करते हैं जो कि इस मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी है। और इसकी 169,000 एक शोरूम प्राइसिंग पर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल मिलती है जो लुक्स में रॉयल, ज़रूरतमंद फीचर्स, अच्छी राइड क्वालिटी और एक डिसेंटली पावरफुल इंजन के साथ आती है।